नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कुमार। देखिए, इस वक्त छठ महापर्व को लेकर तमाम घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ और छठ व्रतियों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। अस्ताचलगामी डूबते सूर्य को लोग अर्घ्य दे रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद है झाझा के गणेशी मंदिर घाट पर। तस्वीरें देख सकते हैं कि गणेशी मंदिर घाट पर किस तरह से तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ है और यहाँ पर वॉच टावर भी 4 की संख्या में बनाए गए हैं और तमाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर DSP राजेश कुमार और थानाध्यक्ष राजेश रन लगातार पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग दोनों ही घाटों पर करते नजर आ रहे हैं। तमाम पुलिस बल मौजूद है, थानाध्यक्ष राजेश रन के साथ साथ कई महिला पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे साथ कुछ यहाँ पर श्रद्धालु है वो जुड़े हुए हैं, देखते हैं कि उनसे जाने का प्रयास करते हैं किस तरह का माहौल इस वक्त लग रहा है। छठ पूजा की सबसे पहले मैं झाझा पब्लिक स्कूल की ओर से बधाई देता हूँ और जहाँ तक माहौल की बात है तो बहुत शांतिपूर्ण माहौल है और इस बार पहली बार छठ में दिख रहा है कि लोग आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन पूरे शांतिपूर्वक आ रहे हैं और दिल में एक सौहार्द प्रेम लेकर आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में हमेशा से एक भाव रहता है, खास करके छठ महापर्व को लेकर आस्था जो होती है विशेष रूप से जुड़ी हुई होती है। दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जानते हैं चूंकि पत्रकारों का जो देखने का जो दर्पण होता है वो काफ़ी तेज होता है, पैनी नज़र होती है, तो इस बार क्या कुछ अलग लग रहा है उनसे जानते। इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला। बीते 2 सालों से जहाँ लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण श्रद्धा में लोगों की कमी आ रही थी क्योंकि छठ घाट पर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब बीते 2 सालों से ऐसा देखने को माहौल मिला कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का संगम है और यह पर्व लोक आस्था का महापर्व है। इसमें लोग पूरी श्रद्धा पूर्वक जो है अपने भक्तिपूर्ण होकर पूजा अर्चना किया करते हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर जिस तरह से जम्मू SP डॉक्टर सौर सुमन के दिशा निर्देश पर झाझा में SDPO राजेश कुमार और थानाध्यक्ष राजेश शरण के नेतृत्व में सुरक्षा का जो पुख्ता इंतजाम देखा गया ये बहुत ही काबिले तारीफ है। कई लोग जुड़े और सुरक्षा के मार्फत अगर देखा जाए तो वाकई बहुत ही अच्छे तरीके से इंतजाम किया गया है। जो मूर्ति होता है अस्ताचलगामी सूर्य का वो लगाया गया है पंडालों में और साफ तौर पर देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जो आकर्षण है वो इसके प्रति, हालांकि कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी लगातार मेहनत और कड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज़, जमुई।